राधे राधे एवरीवन, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम देखेंगे पूरे 9 दिन तक पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि का पहले दिन होता है तो हम सभी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं, तो कुछ लोग नवग्रह की स्थापना भी करते हैं और कुछ लोग नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं। उसके बाद अगले दिन हमें फिर से पूजा करनी होती है। पूरे 9 दिन तक हमें इसी चौकी पर पूजा करनी होती है। तो अगले दिन हमें पूजा कैसे करनी है, इसी पर आज का वीडियो है। पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के कुछ समय बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे चौकी से हम हटा लेंगे और सभी को बांट देंगे। आपने अगर माता रानी को मीठा पान चढ़ाया है या फिर पान के पत्ते पर माता रानी को भोग समर्पित किया है, अगर आपके घर में कोई उसको पान को खाता है तो आप उसे दे सकते हैं। अगले दिन सबसे पहले हमें चौकी को साफ करना होता है। तो सबसे पहले जो भी आपने हवन किया है उसकी राख जो भी होती है, आप चाहें तो किसी पौधे में डाल सकते हैं या फिर उसको एक पॉलीथीन में या किसी बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद हम सारे फूलों को इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहें तो फूलों को रोजाना विसर्जन कर सकते हैं या फिर इकट्ठा करके एक साथ आप विसर्जन कर सकते हैं। दीपक भी हटा लेंगे, कलावे को हमें बिल्कुल भी नहीं हटाना है। इसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमें सभी को भाव रूप में यहाँ पर स्नान कराना है। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिया जला लेंगे क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। पूजा हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले दिन की थी। सभी को रोली का तिलक समर्पित करेंगे, तिलक पर चावल समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को, माता रानी को और जो हमने नवग्रह की स्थापना की है उन पर हमें सूखी रोली समर्पित करनी है सभी को। उसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर फूल हैं तो आप रोज़ की पूजा में फूल समर्पित कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, माता रानी को फूल समर्पित करेंगे और कलश पर भी फूल समर्पित करेंगे और जो आपने ज्वारे बोए हैं हमें उस पर भी फूल समर्पित करने हैं। इसके बाद में माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। माता रानी को बतासे का भोग अति प्रिय है, आप रोजाना चाहें तो बतासे का भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको बतासे नहीं मिलते हैं तो आप मिश्री का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। बतासे का जब भी आप भोग समर्पित करें उसमें 2 लौंग की जोड़े आप ज़रूर से समर्पित करें, 7 नहीं। मौसम के अनुसार आपको जो फल मिल जाते हैं भोग में फल समर्पित करेंगे और एक छोटा सा हवन करेंगे। तो गाय के उपले को हम जलाकर उस पर कपूर रखकर जलाएंगे और लौंग के जोड़े समर्पित करेंगे। पहले लौंग के जोड़े को आप घी में डिप करेंगे, उसके बाद हम हवन में चढ़ाएंगे और उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है माता रानी को, बतासे का भोग लगाया है तो बतासे का भोग समर्पित करेंगे हवन में और उसके बाद में हम जल के छींटे लगाकर हवन को पूर्ण करेंगे। रोजाना की पूजा में अधिकतर लोग इतना ही हवन करते हैं और यही हवन पूर्ण भी माना जाता है। उसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी माता रानी से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे और जो जल का लोटा है वो सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो हमें ज्वारे को भी सींचना होता है। पूजा अर्चना जब आप कर लेंगे उसके बाद में इस तरह से हाथ में जल लेकर जल के छींटे लगाते हुए हमें ज्वारे में जल सींचना होता है और जब तक आपके 1 से 2 इंची के ज्वारे नहीं हो जाते हैं हमें इसी प्रकार से जल सींचना होता है ज्वारे में और उसके बाद में बचा हुआ जल हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। तो इस तरह से हमें 9 दिन तक पूरी पूजा करनी होती है नवरात्रों में। पूजा के 1.25 घंटे बाद आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप चौकी से हटा लेंगे और घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। नवरात्रि का ये पूरे 9 दिन की पूजा किस प्रकार करनी है इसका वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।